समाज को बदलने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं उसमें हम शामिल हो गए। दूसरे पार्टी के कैंडिडेटों के साथ मुझको एक बार कंपेयर कीजिए, लास्ट 20 इयर्स 10 इयर्स से उनका परफॉर्मेंस क्या है। बार 70 साल आपने वोट किया, एक मौका आम आदमी पार्टी को और एक मौका केजरीवाल को देके दीजिए, आपको खाली एक साल में डिफरेंस मालूम हो जाएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। सभी हमारे माध्यम मित्रों को मेरा नमस्कार। कल चुनाव का डेट ऐलान हुआ है। जैसे आप सभी को मालूम है कि 10 तारीख को चुनाव होने वाला है और 13 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। मैं सबसे पहले हमारे बेंगलोर के हाईकमांड, जो स्टेट के हाईकमांड है और हमारे नेशनल कन्वीनर है श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्टेट के जो इंचार्ज है दामोदर जी और दिलीप पांडे जी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जो है प्रीति रेड्डी साहब, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गुलबर्गा ग्रामीण मतक्षेत्र से चुनाव लड़ सकता हूँ, तो मुझे टिकट दिया गया है। पहले ही लिस्ट में मेरे को चुन के जो टिकट दिया है, ये बहुत हमारे लिए बहुत महत्व है और हम जो चुनाव की तैयारी है बहुत ज़ोर से चालू हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसुर है। आम आदमी पार्टी का मैं कलबुर्गी ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं BE, MTech और PhD ख़त्म किया हूँ। मैं 9 साल रिसर्च किया हूँ VTU में, 9 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस हुए और इसके साथ मैं PDA इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर बोल के काम किया था। उसके बाद बसव कल्याण भालकी और VTU में असिस्टेंट प्रोफेसर था। जब मैं VTU में था तो मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके ये जो फुल टाइम पॉलिटिक्स है, ये समाज को बदलने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स बोलते हैं उसमें हम शामिल हो गए। तो आज तक ये जो हमारा राजनीति का सफ़र है वो चालू है। आज हमने आम आदमी पार्टी से टिकट लेने के बाद मैं जो 2 साल से मेरे मतक्षेत्र में एक घूमना चालू है, सभी लोगों से मिलना चालू है, सभी लोगों के साथ बात करके, हर एक वर्ग के लोगों के साथ मैं बैठ के बात करके उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स मैंने सुना है, समझा है। और उसके साथ मैं एक दलित हूँ और दलित में मैं राइट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स में हम विश्वास करते हैं और उसी कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करता हूँ। कलबुर्गी ग्रामीण मतक्षेत्र में सभी भाइयों से और सभी मतदारों से मेरे ये विनंती है कि अगर आपने वोट डाला तो आप एक ऐसा आदमी को डालेंगे कि वो एक एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है और समाज को बदलने के लिए, इस भ्रष्ट राजनीति को बदलने के लिए उसने चुनाव भी राजनीति में कदम रखा है। एक ऐसा आदमी को आप वोट डालेंगे कि वो आपका वोट जो है एक अच्छा इंसान को जाएगा, वोट यूज़फुल हो जाएगा, यूज़फुल वोट हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलके दूसरे पार्टी के कैंडिडेटों के साथ मुझको एक बार कंपेयर कीजिए। कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट है,
उसका क्या परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर से, लास्ट 20 ईयर्स 10 ईयर से उनका परफॉर्मेंस क्या है। बीजेपी का कैंडिडेट जो है उनका क्वालिफिकेशन क्या है, 5 साल में उनका क्या एक परफॉर्मेंस है। और मेरा भी एक बायोडाटा आप लीजिए, मैं जो पढ़ा लिखा हूँ, मेरा क्या क्या मैं काम किया हूँ, मुझे और उनके साथ एक बार कंपेयर करके आप मतदार लोग एक बार फैसला लीजिए। और उसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है अपना गारंटी कार्ड दे चुका है, अपने गारंटी कार्ड में वो बता रहा है कि हम करंट फ्री देंगे, युवकों को रोज़गार देंगे, उनको 3000 रुपये स्टाइफंड देंगे और करंट फ्री देंगे, ये सब उन्होंने बताया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी 3 राज्यों में आपका सरकार है, तो वो जो राज्यों में, वो राजस्थान हिमाचल प्रदेश जो राज्यों में आपका सरकार है, वहाँ पे आपने ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया। आम आदमी पार्टी फ्रॉम 2013 जब से सरकार में आया है, अब 10 साल हो चुका है, हम वो फ्री में दे रहे हैं, जो बिजली हो, पानी हो, बच्चों का स्कूल हो या मोहल्ला क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, जो भी है, हमने 10 साल से वो फ्री देने का काम चालू किया। और ये दिल्ली का एक ही सरकार है जो फ्री देने के बावजूद वो सरकार प्रॉफिट में है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, आपका ये झूठी गारंटी कार्ड नहीं चलेगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी कलबुर्गी ग्रामीण मतदार के लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ आना चाहते हैं, मुझे वोट करना चाहते हैं, मेरे संपर्क में आके जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है वो देखना चाहते हैं, तो मेरा मिस कॉल नंबर है 706-507-1414। मेरा निशान है झाड़ू, हमारा पार्टी है आम आदमी पार्टी। मैं सबको आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 70 सालों से आपने कोई ना कोई शासक को वोट किया है, लेकिन आज तक आपके घर के आजू बाजू जो नालियाँ हैं वैसा ही है, जो स्कूल है वैसा ही है, जो गंदा पानी है वो गंदा पानी वैसा ही आ रहा है। तो एक बार 70 साल आपने वोट किया, एक मौका आम आदमी पार्टी को और एक मौका केजरीवाल को दे के दीजिए, आपको खाली 1 साल में डिफरेंस मालूम हो जाएगा। सभी मीडिया चैनलों को मेरा नमस्कार। आज हमने ये प्रेस मीट बुलाए हैं आम आदमी पार्टी कलबुर्गी ग्रामीण मत क्षेत्र के तरफ से। आज मैं डॉक्टर राघवेंद्र चिंचनसर हूँ, मेरे साथ हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक मलकपगोड़ सर है जो महागांव के है। अशोक मलकपगोड़ सर जो है वो एक्स आर्मी है, माजी सैनिक है और 37 ईयर से वो शिक्षा के क्षेत्र में रह चुके हैं, HM बन के रिटायर हो चुके हैं। और विठल माँ का गौड़ा जी हमारे साथ है, नंदूर के गौड़ा जी है, वो नंदूर में हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ है अरुण सागर सर, ग्राम पंचायत के मेंबर है, आप प्रेजेंट मेंबर फ्रॉम अंकल के कलबुर्गी ग्रामीण मत क्षेत्र। और हमारे साथ है आनंद बिलगुंदे जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और आम आदमी पक्ष को काम करने के लिए बिलगुंदी और नरवणों का इंचार्ज है, तो आज भी वो आनंद बिलगुंदी सर हमारे साथ है।